हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडो फॉर डिफेंस। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आज से हमारा क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है ना, तो आज आपके जो सीडीएस मैथ्स की फर्स्ट क्लास है, राइट? तो जो ये आपकी सीडीएस मैथ्स की जो ये फर्स्ट क्लास है आपकी, है ना, तो आपको पता है कि ये क्रैश कोर्स चलेगा आपके एग्जाम तक, ठीक। अब सबसे पहले जो मैं आज की क्लास में आपको चीजें जो बताऊंगा, वो मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपने क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अभी एक महीने में पढ़नी है, ठीक है, किस पर जो है वो आपने ज्यादा फोकस करना है और किस पर जो है वो आपने थोड़ा कम फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि जब हमने कल जो था वो वेबिनार किया था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं पढ़नी होती हैं, ठीक है, तो क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है वो यहाँ पे जो है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो आपकी क्लासेस रहेंगी, आपको पता है डेली का आपका यही टाइमिंग रहेगा, ठीक है, टाइमिंग आपका चेंज नहीं होगा, तो डेली आपने जो है वो इसी टाइम पे जो है वो क्लासेस ज्वाइन करनी है, डिसिप्लिन रहना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप डिसिप्लिन हो, ठीक है, अगर आप में एक डिसिप्लिन है तभी आप एक ऑफिसर बनने लायक हो, ठीक है, और अगर आप डिसिप्लिन में ही काम करते हो तो समझ लो कि आप 50% ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हो, ठीक है। अब आज जो शुरू करेंगे जो आपका सीडीएस का मैथ्स है, ठीक है, सीडीएस मैथ्स की आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, वो चैप्टर्स, वो 40-50% आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स जहां से आपका 70-80% पेपर आता है, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट में बात करें, सबसे पहले आपके पास आएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 10 से 12 क्वेश्चन। दूसरा आएगा आपके पास स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। थर्ड आएगा आपके पास एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है। फोर्थ आएगा आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, 3D सॉलिड्स, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके पास, आप लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, नेक्स्ट लिख लीजिए, नंबर सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद सम पार्ट ऑफ जो आपका पेंडिंग बचता है वो है अर्थमेटिक का, ठीक है, या क्वांट्स आप बोल सकते हो, कुछ चैप्टर्स हैं इसमें बेसिक से वो। तो पहले हम इसी तरह से चलेंगे, देखो यहां से अगर हम बात करें तो आपके ट्रिग्नोमेट्री से 10 से 12 क्वेश्चन रख लो, स्टैट्स में आपके अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन, एरिया पैरामीटर से 7 से 8 क्वेश्चन, एरिया वॉल्यूम सॉलिड से भी आपके 12 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 से 5, सीक्वेंस सीरीज में भी अप्रोक्सीमेट 4 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में आपके 10 से 12 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक ये क्वांट्स वाला चैप्टर जो बाकी जितने भी चैप्टर बचते हैं तो 25-30 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये चैप्टर भी आप पढ़ोगे तो आपके अप्रोक्सीमेट आउट ऑफ 100-50+ क्वेश्चन, इसको छोड़ दो अगर, तब भी आप 50+ क्वेश्चन आप इजिली जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और सीडीएस में अगर आपके 50 सीडीएस में देखो, मैथ सबसे स्कोरिंग पार्ट है, क्यों है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 50 क्वेश्चन किए ना अगर आपने, 50 के 50 ठीक हुए तो यार 50 नंबर तो आपके ऐसे ही सिक्योर हो गए, ठीक है। तो अगर आपके सीडीएस में 50 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं मैथ्स में, तो आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, रोक सकती है तो सिर्फ इंग्लिश, कि अगर आपके इंग्लिश में कम मार्क्स आए तो मे बी वो आपकी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाए वहां पे, ठीक है, कि अगर आपके इंग्लिश में कम नंबर आते हैं तो इंग्लिश पे भी आपने फोकस करना है, इंग्लिश आपको जो है वो ज्यादा स्कोर देकर जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो हम जो शुरुआत करेंगे, जो हमने शुरुआत करनी है वो हम शुरुआत करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, इजी चैप्टर है बिल्कुल एकदम, ठीक है, 10 कर क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। तो
अगर ये आपने समझ लिया अच्छे से तो फ्री के 10 नंबर हैं आपके पास, ठीक है। तो वही चीज जो अभी हमने करनी है, क्लियर। अब जो ये स्टैटिस्टिक्स है आपका, ठीक है, सबसे पहले हम इसको शुरुआत से बेसिक से समझेंगे। हालांकि आपका जो ये मतलब एक महीने का कोर्स है, हमें इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस जो आपका इंपॉर्टेंट वन है वो हमें कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कि क्लास में हमसे क्वेश्चंस थोड़े कम हो, तो आपने घर में सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करने हैं, गॉट इट। तो अब देखो क्या होगा, स्टैट्स में अगर हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि स्टैट्स में आप चीजें पढ़ोगे क्या, ठीक है। स्टैट्स में आपके बेसिक सी चीजें आएंगी। सबसे पहले तो आप पढ़ोगे इसके में मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी आता है, बट मेनली आप अर्थमेटिक मीन के बारे में यहां पे पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे मीडियन, मीडियन के बाद आप पढ़ोगे मोड, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास कुछ अलग चार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, कि आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है पाई चार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो पाई चार्ट को भी जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मीन के अंदर भी वेरियस चीजें आ जाती है, कभी कंटिन्यूस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वैसे ही मीडियन का, वैसे ही मोड का, ठीक है। ये सारा हम जो है वो इसके अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर देखो स्टैट्स की मैं सिंपल अगर आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली अगर पूछता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स, हां जी कोई बताएगा? बताइए, देखो सिंपल सी अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपकी एक मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच बोल सकते हो, एक सिस्टम बोल सकते हो, जहां पे आप किसी एक रफ डाटा को कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो और देन उसको सॉल्व या कैलकुलेट करते हो, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास पॉज करो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रफ डाटा है 7 बिलियन का कि आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 या 8 बिलियन, ठीक है, आपके पास ये रफ डाटा है, इसमें तो सारे आ गए, लेकिन अब इसने आपने क्या किया, इस पूरे रफ डाटा को एनालाइज किया और उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग टर्म में, कि जैसे आपने अकॉर्डिंग टू कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज के हिसाब से कर दिया, ठीक है, जेंडर के हिसाब से कर दिया, ठीक है, कॉन्टिनेंट के हिसाब से कर दिया, तो मतलब क्या किया, एज ग्रुप के हिसाब से कर दिया, ठीक है। कि क्या किया आपने, कि आपके पास एक रफ डाटा था, आपने उसको एनालाइज किया, उसको पढ़ा और उसको वेरियस अलग अलग डिफरेंट सब पार्ट्स में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको अरेंज कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपके पास, क्लियर। अब क्या करना है आपने, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये यहां तक ये कंसेप्ट बेसिक अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब उस पर ये सब चीज तो आपने कर दिया, लेकिन अब आपको बोलेगी बताओ भाई, अगर अकॉर्डिंग टू कंट्री, मान लो इंडिया है, इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन बताओ भाई कितनी इंक्रीज हुई है पिछले 5-10 सालों में, है ना, तो वो क्या आती है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, वही कैलकुलेशन होगी जो हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, ठीक है। तो वहां से जो है वो हम वो डाटा को कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको डाटा ऑलरेडी सिस्टमेटिकली ऑर्डर में दिया होगा और आपको वेरियस चीजें पूछेंगे कि ये चीज निकालो, ये निकालो, ये फाइंड आउट करो, है ना, तो ये सब चीजें जो है वो आपने सॉल्व करनी है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले अब स्टैट्स की तो समझ लिया, अब बात करेंगे मीन की, ठीक है, मीन की बात करेंगे, ठीक है। मीन में हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। अब देखो आपने एवरेज चैप्टर भी पढ़ा होगा, एवरेज में भी आप क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे, एक टाइप का मीन ही निकालते थे, है ना, तो अर्थमेटिक मीन में भी क्या करोगे आप, अर्थमेटिक मीन में भी आपने क्या निकालना है, मीन ही फाइंड आउट करना है ना।
मीन फाइंड आउट करोगे। मीन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मान लो आपके पास कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, आपको बोला कि यू हैव अ सीरीज 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18, इस तरह से आपके पास कोई सीरीज दी है, ठीक है। आपको बोला कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन या गिवन सीरीज। आपने क्या करना है, मीन कैसे निकालोगे आप? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? क्या करना है आपने? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा आपका? मीन। अब तो ये तो था कि सिंपल अगर आपके पास मीन दिया है, ठीक है। सेकंड चीज क्या आती है आपके पास कि सपोज करो आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपके पास एक डाटा दिया है, यहां पे आपको एक्स भी दिया है, यहां पे आपको मतलब कि आपको एक नंबर भी दिया है, नंबर के साथ उसकी यूनिट भी दी है, ठीक है। कि आपको बोला है यहां पे आपको दे दिया मान लो 10, 15, 20, 22, 30, 40, मान लो इस तरह से कोई डाटा दिया है, साथ में इसका आपको यूनिट भी दे दी कि मान लो ये मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं कि 10 मतलब जिनके 10 मार्क्स आए हैं क्लास में लड़कियां हैं, उनमें से जिसके 10 नंबर आए हैं वो 2 लड़कियां हैं, जिनके 15 नंबर आए वो 3 लड़कियां हैं, जिनके 20 नंबर आए वो मान लो एक ही लड़की है, जिसके 22 है वो 4 हैं, 2, 3, इस तरह से मान लो सपोज कर लो कि इस तरह से आपको नंबर भी दिया है, उनके साथ उनकी यूनिट भी दी है, मतलब अमाउंट भी दिया है, ठीक है। अब आपको बोला है कि फाइंड द मीन। अब अगर आपको मीन निकालना है तो उस केस में आप मीन कैसे निकालोगे? मीन को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स बार से, तो मीन क्या हो जाएगा आपका? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, मतलब कि अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ इंटू एक्स, एफ एक्स निकालोगे, ठीक है। तो एफ एक्स का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख जाओगे, ठीक है। अब उसको क्या करोगे? समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब इस पूरे का सम, जो भी इसका सम आएगा उसको आप किससे डिवाइड करोगे? इस फ्रीक्वेंसी के सम से, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एन से। तो यानी कि समीशन एफ इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है, या एन लिख लो या समीशन एफ लिख लो, एक ही बात है। तो जो इसका सम होगा उससे आपने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल जाएगा आपका? मीन। ये होती है आपके उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपने मीन कैसे निकालना है। गॉट इट? ठीक है। अब ये तो था एक डायरेक्ट मेथड, एक आता है आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कब यूज होता है आपका, इसको अगले पेज में करते हैं। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, कि मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपको यूज होता है कि सपोज करो आपको जो नंबर्स दिए हैं वो थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, मतलब बड़ी वैल्यूज हैं, जिनको अगर आप एफ एक्स निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि सपोज करो आपके पास एक्स भी है, एफ भी है, ठीक है, तो आपके पास मान लो बड़ी वैल्यू दी है, 100 दिया है, 200 दिया है, 300 दिया है, 400, 500, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में मान लो आपको 25 दे दिया, 15, 10, 12, 20, इस तरह से मान लो, ठीक है। अब आपको बोला कि मीन निकाल लो इस डाटा का। अब आप क्या बोलोगे कि सर हम तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, एफ एक्स बाई एफ कर देंगे, वो भी ठीक है, बट वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं। तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है? शॉर्टकट मेथड लगाना। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है कि मीन कैसे निकलेगा शॉर्टकट मेथड से? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। क्या बोल रहा है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी। अब आप बोलोगे सर ए क्या है और वो डी क्या है, तो ए क्या है आपका लिख लो, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, और डी क्या है वो यहां पे आप वैल्यू लिख लो। डी आपका है
एक्स आई माइनस ए, ठीक है। मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन होगा जो आपका सेंटर होगा। अब इसमें सेंटर क्या है, 300। सपोज करो सेंटर में अगर मान लो यहां पे एक और वैल्यू दी होती, तो सेंटर में आपके पास ये दो वैल्यूज आती। अब आप किसको एज्यूम करते, तब आप उस एज्यूम करते जिसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी है, ठीक है। तो उस केस में 400 हो जाता, लेकिन यहां पे पांच ही वैल्यू, तो बीच में 300 है, तो आपने 300 को कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने हर एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन से माइनस करते। सपोज करो आपने 400 जो है, 400 आपका एज्यूम्ड मीन है, तो मतलब क्या कि आपने हर एक नंबर को 400 से माइनस कर दो। तो 100 माइनस 400 माइनस 300, फिर 200 माइनस 400 माइनस 200, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करा, हर एक को माइनस करते गए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, समीशन ऑफ एफ डी। तो सबसे पहले क्या निकालोगे यहां पे, एफ डी मतलब जो ये d की वैल्यू आई है इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे, f से, ठीक है, f से मल्टीप्लाई करोगे। और यहां पे लिखोगे जो भी इसका सम आएगा, ठीक है, जो भी इसका सम आएगा वो यहां पे लिख दोगे आप, डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो यहां पे आ जाएगा, और बीच में प्लस एज्यूम्ड मीन, यानी कि 300 लिया तो, या 400 लिया तो 400, ठीक है। इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, शॉर्टकट मेथड से मीन, ठीक है, क्लियर यहां तक। हां जी, यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो कई बार क्या आता है कि अगर आपको x के बजाय आपको क्लास दी है, क्लास इन द सेंस इस तरह से अगर वैल्यू दी है, जैसे कि ये क्लास दी है, ये f दिया है, क्लास आपको मान लो दे दी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी दे दी मान लो 2, 3, 5, 3 इस तरह से, ठीक है। अब आपने बोला कि सर इसमें x तो हमें दिया ही नहीं है, है ना, x की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है। तो अब तब उस केस में क्या करना है, आपने x की वैल्यू क्या आएगी, जो आपकी क्लास की सेंटर की वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू क्या आएगी यहां पे बताइए, पंद्रह, ठीक है, 20 और 30 में 25, 35, 45, तो x निकल गया, f निकल गया, अब मीन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी जो है वो यूज कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। ये तो था मीन, फिर आता है आपके पास कंबाइंड मीन या वेटेड मीन, ठीक है। कंबाइंड मीन या वेटेड मीन क्या बोलता है आपका, कंबाइंड मीन या वेटेड मीन क्या होता है लिख लो। जैसे कि आपके पास मान लो कोई मीन दिया आपको, आपको सपोज आपको बोला है कि क्लास में आपके पास 15 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, और 15 लड़कियों का एवरेज स्कोर 80 है आउट ऑफ 100, मान लो एग्जाम हुआ 80 नंबर आए, 15 गर्ल्स का 80 स्कोर है, और वो जो 20 लड़के हैं उनका एवरेज स्कोर 85 है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, तो मतलब देखो यहां पे देखो, लड़कियों का अलग आपको एवरेज मार्क्स दिए हैं, लड़कों का अलग आपको मीन दिया है, एक एवरेज मार्क्स दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स या कंबाइंड मीन ऑफ होल क्लास, कि पूरी क्लास का बताओ एवरेज स्कोर कितना होगा। पहले क्या था, लड़कियों का अलग था, लड़कों का अलग था, अब आपने कंबाइंड मीन निकालना है, मतलब कि आपको एक मीन ऑलरेडी दिया है, उसका नंबर भी दिया है, दूसरा मीन भी दिया है, और उसका नंबर भी दिया है। जैसे कि लड़कियों की एवरेज मार्क्स 80 है और 15 लड़कियां हैं क्लास में, लड़के 20 हैं और उनका एवरेज मार्क्स 85 है। अब आपको कंबाइंड मार्क्स निकालने हैं होल क्लास, पूरी क्लास की, ठीक है,
पूरी क्लास के कंबाइंड मार्क्स निकालने, तो उसमें क्या लगेगा आपका? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, लिख लो, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू एक्स वन बार इंटू एन वन प्लस एक्स टू बार इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या निकाल लेना है, कंबाइंड मीन। क्लियर? तो ये था आपका मीन। यस, क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, अब जो है हमारे पास बचा मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो मीडियन एंड मोड जो है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मीडियन एंड मोड को हम कल करेंगे। ठीक है, ये बाकी जो है वो आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं। आज हम सिर्फ मीन तक ही रखेंगे, क्योंकि आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले दिन ही हम आपको इतना वर्कलोड नहीं देंगे। ठीक है, बट ये है कि अब हमें थोड़ा सा जो वो अपनी स्पीड को भी फास्ट करना पड़ेगा, और आपको भी मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि आपकी अगर 3 घंटे क्लास है तो 3 घंटे आपने क्लास को अच्छे से जो है वो लगाना है। ठीक है, और जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसके जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि जो आपका 16 अप्रैल को पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। क्लियर एवरीबॉडी? चलो फिर ये जो मीडियन वाला पोर्शन है ये हम कल करेंगे। ठीक है, मीडियन एंड मोड। तो परसों हम जो है वो सिर्फ स्टैट्स के क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ओके गाइज, थैंक यू, जय हिंद।